अरे भैया डेंगू, हम हमारा नाम है सनातन धर्म डेंगू। ऐसे अथॉरिटी नहीं है कोई दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोल लेगा। ये इनका एक हैबिट है कि कुछ भी करो मोदी के पीछे लगो। मैं मोदी को आरएसएस को इसलिए पसंद है, अपने धर्म के बारे में तो बोलते हैं। खड़क सिंह के खड़कने से है ना खिड़कियां ही खड़क सकती है, मोदी नहीं खड़क सकते। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ। सनातनी धर्म डेंगू और मलेरिया जैसा है उसे रोकना चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बयान आया है तमिलनाडु के सीएम के बेटे का, उदय निधि स्टालिन का, जिन्होंने कहा कि सनातनी धर्म डेंगू और फ्लू जैसा है। ऐसा ही कुछ बयान खड़गे साहब जी ने भी दिया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि भाई सनातनी धर्म आएगा अगर मोदी आएगा तो। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को सनातन धर्म से प्रॉब्लम है या फिर मोदी सरकार से। तो चलिए अब देश की जनता के पास ही चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस तरीके के बयान जो सनातन धर्म पर दिए जाते हैं उस पर उनकी क्या राय है। एम के स्टालिन के बेटे का बयान सामने आया है सनातनी धर्म को लेकर, क्या कहोगे आप? देखिए, जो इन्हें क्या सनातन धर्मी के साथ भी, ये सिर्फ क्या इनकी बलफलाहट है इनके लोगों की, क्योंकि इनके बस के अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इन्हें तो कुछ तो कहना है ना, ताकि एक कुछ पक्ष हमारे डिवाइडेशन हो जाए। ये एक्चुअल क्या कांग्रेस का क्या डिवाइडेशन है, रूल्स हुआ है जो अंग्रेज का था वो इन्हीं लोगों का है। इसमें भी देख लो, एक सनातनी धर्म एक दूसरा पक्ष है। तो इन्होंने क्या कहा, मलेरिया सनातन धर्म तो डेंगू भी है। अब ये तो पता लगेगा कि डेंगू किसको हो गया, मलेरिया किसको होएगा, वो तो समय बताएगा, समझे ना। अब जब किसी के कुछ भी नहीं कुछ की नहीं बोलने का बस होता तो वो लोग यही बातें करते थे, तू मर जा, तू फलाना हो जा, तेरे मलेरिया हो जा, तेरे बुखार हो जाए। तो यही बातें करी है ना इन लोगों ने। और वही कांग्रेस के भाई है, कहते जो कांग्रेस बीजेपी को वोट देता है वो सारे राक्षस है। बिल्कुल गलत है ये, वो तो खुद क्रिश्चियन है और ये सब कन्वर्टी हैं, ये राइस बैग हैं। इन्हें ऐसे अथॉरिटी नहीं है कोई दूसरे धर्म के बारे में कुछ भी बोलने का। आप किसी पोस्ट पे हो, आपको इतना अकल होनी चाहिए ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सनातन धर्म भी इस तरह के बयान दिए कि ये बिल्कुल हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। नहीं, ये तो किसी भी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। इसके पहले भी खड़गे का बयान सामने आया था कि मोदी आएंगे सनातनी छा जाएगा। क्या लगता है कि विपक्ष को मोदी से या फिर सनातन धर्म से किससे प्रॉब्लम है? ये क्या है कि इन लोगों को मोदी से है तो ये कुछ ना कुछ बोखला, सीधा तो डायरेक्ट कह नहीं सकते। एक प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको कुछ डायरेक्ट कह सकते, क्यों? उन्हें पता है कि मानहानि का केस हो जाएगा। तो ये कुछ ना कुछ जो है सनातन धर्म में फूट डाल दो डिवाइडेशन का रूल्स में, तो ये सारी चीज़ इन्होंने भी यही है। और खड़क सिंह के खड़कने से है ना खिड़कियाँ ही खड़क सकती है, मोदी नहीं खड़क सकते। पूरा एक मोदी जी ने इकट्ठा कर दिया है, अब वो कब कहाँ फेंकना वो आप जाने, पब्लिक बताएगी कहाँ फेंकना है। हर बार इनका हैबिट बन गया है कि कुछ भी करके, विपक्ष का आदत है, अपोजिशन का हैबिट है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे सामने हो, चाहे कहीं पर भी हो। ये इनका एक हैबिट है कि कुछ भी करो मोदी के पीछे लगो। नहीं, इनको सनातन धर्म से दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार के भी नहीं है, ये तुष्टिकरण की नीति है ये। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मोदी को आरएसएस को इसलिए पसंद हूँ, अपने धर्म के बारे में तो बोलते हैं, बाकी दूसरे धर्म के लोग भी बोलते हैं, कम से इन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ तो सोचा। अरे भैया डेंगू, हमारा नाम है सनातन धर्म डेंगू, भैया के खड़के बटट के डेंगू वेंगू, हम तो हमारा तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई लोगों ने भी साफ तरीके से कह दिया है कि जो विपक्ष है वो लगातार तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है और इसी वजह से सनातन धर्म पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रहा है।